हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसे कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। हम पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं, इवेल्यूएट आई बराबर 0 to 3 1 to 2 एक्स वाई 1 + x + y डी एक्स ऑफ डी वाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जैसे पीछे यहाँ डी वाई है तो ये लिमिट है 1 to 2, ये लिमिट डी वाई की है, और डी एक्स पहले है तो लिमिट 0 to 3 एक्स की लिमिट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 to 1, फिर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको करने के लिए 1 upon 2 1 to 2 लिमिट एक्स वाई 1 + x + y ऑफ डी वाई, क्योंकि डी वाई की लिमिट है ये, तो लिमिट डी वाई को पहले लिख देंगे हम, कोष्टक बंद है डी एक्स, ये हो गया। अब फिर 0 to 1 इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 to 2 एक्स वाई + x² y + x² डी वाई डी एक्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा अपने पास 0 to 1, ये तो 1 to 2 लिमिट है ही, ये हो गया। डी वाई के रेस्पेक्ट लिख रहे हैं तो x हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा x y² upon 2 प्लस x² y² upon 2 + x y³upon 3 और 0 to 1, वन टू टू है यहाँ पे, ये 1 to 2 ऑफ डी वाई। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 0 to 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 पे हो जाएगा ये हमारे पास 2² 4 upon 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8x upon 3, ये हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस। अभी हमें ये तो हमारे अपर लिमिट पे अप्लाई करने पाया, अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास x by 2 प्लस, यहाँ पे हमने माइनस छोटा क्वेश्चन चालू कर लिया, तो x by 2 प्लस यहाँ पे अप्लाई की, तो ये हो जाएगा अपने पास x² upon 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x by 2। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं x by 2 and x by 2 हो जाएगा पूरा x अपने पास, तो इसको हम 0 to 1 इसको अंदर सॉल्व करें, और ये डी एक्स, ये डी एक्स चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे डी एक्स है, ये डी एक्स यहाँ पे चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 2x + 8x/3 प्लस 2x² माइनस ये x by 2 और x by 2 1x हो गया, तो -x - x² upon 2 ऑफ डी एक्स, ये हो जाएगा फिर अपने पास 0 to 1। अब इसको सॉल्व किया तो 2x में से 1x गया, तो ये x बच गया, 2x में से 1x गया तो x बच गया, x + 8x/3 तो 1 + 8/3 क्या हो जाएगा फिर 11/3। वन प्लस एट बाई थ्री इक्वल टू 11/3 एक्स, और साथ में एक्स स्क्वायर वाला है, जो ये हो जाएगा 2x² - 1/2, तो ये हो जाएगा -2 - 1/2, तो हो जाएगा 3/2 x² और यहाँ पे डी एक्स, ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/3 x² upon 2 -3/2 x³upon 3 0 to 1। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा हमारे पास 11/6 -3 से 3 गया, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 और 0 अप्लाई करने पर 0 आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास 11/6 -1/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये 11 - 3 = 8/6 या 4/3 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।